तो मैं ये बात कर रहा था कि आप किसी दूसरे पर्सन का सेंटेंस उठा रहे हैं या कोई बात उठा रहे हैं एज इट इज, या वेल नोन सेइंग या कोई, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर आप उसको डबल कोट्स, आप देख लें इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस यही है कि ये विदाउट डबल कोट्स लिखा हुआ है और ये विद डबल कोट्स लिखा हुआ है। तो इस केस में अब ये आपका प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि जो पर्सन इसको रीड आउट करेगा उसको पता चल जाएगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है और उसने एज इट इज ये सेइंग कही हुई है। और लेकिन उसको अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो इट्स मीन कि आप कोई चीज हाइड कर रहे हैं, उसको अपना क्लेम कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन की बात को, तो ये चीज भी आपकी फिर प्लेजरिज्म में आ जाती है। यानी ये प्लेजरिज्म में है और इसको डबल कोट्स में लिख देने से ये प्लेजरिज्म से ये चीज बच गई। आप देख रहे हैं इस केस में भी साइट आप कर रहे हैं, इस केस में आप साइट भी नहीं कर रहे, तो टोटली उसको अपना क्लेम कर रहे हो उन सेंटेंसेस को, तो ये चीज भी आपकी प्लेजरिज्म में कहलाती है। तो प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए आप उसको डबल कोट्स में विद साइटेशन उसको रेफर करते हैं। तो ये एग्जांपल इस सोर्स से ली है, इस पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अच्छा, बाकी पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग तो ये क्लियर है ना कि अपनी वर्डिंग में आप लिख रहे हैं, या आप इस केस में भी अपनी वर्डिंग में लिख रहे होते हैं, इस केस में भी आप वर्डिंग में लिख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ओवरऑल जो बात है उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, इस केस में आप हर एक सेंटेंस को रिफ्रेस कर रहे हैं एक्चुअल सोर्स के। तो कहता है इसमें समरी क्या हुई, कहता है कंडेंस्ड वर्जन ऑफ ऑथर्स की पॉइंट्स कैन एक्सटेंड अप टू अ फ्यू सेंटेंसेस आर इवन लॉन्गर बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑथर्स आइडिया टू बी कन्वेड व्हेन समराइजिंग यू मस्ट साइट द सोर्स। तो कहता है यहाँ पे एक चीज तो ये है कि आप जो भी ओरिजिनल सोर्स से कोई बात पिक कर रहे हैं तो उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, और वर्डिंग में लिखने के साथ साथ अगर उसने 10 लाइन्स में लेट से ओरिजिनल ऑथर ने बात की हुई है तो आप वही बात 2 से 3 लाइन में करते, ठीक है, ज्यादा मीनिंगफुल वे में, ज्यादा कंडेंस्ड वर्जन की फॉर्म में करते, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको ओरिजिनल सोर्स को साइट मस्ट करें। क्लियर है? इस सेक्शन से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो कहते हैं समराइजिंग क्या है, कहते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट था, ये देख लें ये आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में है, ठीक है, तो आप उसी टेक्स्ट को अपनी वर्डिंग में शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें और उसके बाद उसको साइट कर दें। यहाँ पे कह रहे हैं निकसन, इसने इस ईयर में ये बात कही थी जो आपने अपनी वर्डिंग में कही, उसके बुक का था, तो उसने उसका बुक का पेज नंबर भी बता दिया। तो इंस्टेड कि आप किसी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको ज्यादा डिटेल में वो प्रेजेंट हुआ है, तो उसको अगर आप लेस डिटेल में यानी शॉर्टर वर्जन उसका इंट्रोड्यूस कर देते हैं और प्रॉपरली साइट कर देते हैं तो ये चीज फिर प्लेजरिज्म में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इसी में से ये जो जिस पर्सन ने बात की और उसका पेज नंबर ये हाइड कर दें और बात यही लिखें, बेशक आपने शॉर्टर वर्जन में कही है, ये प्लेजरिज्म में आ जाएगी फिर, बेशक आपने समराइज किया हुआ है, आपने ओरिजिनल सोर्स की आइडेंटिटी को हाइड कर दिया, उसको अपना क्लेम कर लिया। क्लियर है ये बात सबको? समराइजिंग से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? सेकंड कहता है कि पैराफ्रेजिंग, तो पैराफ्रेजिंग क्या है कि ओरिजिनल है आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ठीक है। कहता है कि कोई भी ओरिजिनल बात है, ठीक है, उसको उसका मीनिंग वही रहे जो कि ओरिजिनल की गई है, लेकिन उसकी वर्डिंग, उसके कहने का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं इससे रेलिवेंट अगर आपसे कोई चीज पूछूंगा तो पैराफ्रेजिंग क्या होती है या साइटेशन क्या है, समराइजिंग क्या है, तो इस तरह की पूछूंगा, ना कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की गई है। क्लियर है ये बात सबको?
तो कहते हैं प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स हमने भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आपने लेट से यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए हुए थे और उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट अपने पास कर लिया। लेट से ये एक सेंटेंस था, ये किसी, मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे ने ये बात कही थी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपनी एक असाइनमेंट बनाता हूँ, उसमें एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपना क्लेम भी कर लेता हूँ। तो ये आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स कहलाएगी। एग्जाम्पल फॉर वर्ड प्लेजरिज्म, तो ये आपके पास है, ऊपर एक आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके पास हाईलाइट हुआ हुआ है, द फर्स्ट टेक्नोलॉजी वॉज द प्रिमिटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, आगे चल रहा है। तो ये आपने यहाँ पे अपनी वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट आपने कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास फिर उस कैटेगरी में आ गई। कहते हैं अगर आप इसको किसी दूसरे पर्सन की वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट कॉपी कर रहे हैं, तो इसको आप डबल कोट्स में लिख दें, ठीक है। डबल कोट्स में लिखने का मीनिंग है कि ये चीज कोटेशन में है और ये किसी बंदे ने एग्जैक्ट एज इट इज कही है, और साथ ही आप उसको साथ साइट भी कर रहे हैं। तो ये इस केस में प्लेजरिज्म में नहीं आएगी, लेकिन इस केस में आपका ओरिजिनल पर्सन को आप साइट भी नहीं कर रहे और उस चीज को डबल कोट्स में भी नहीं लिख रहे। तो डबल कोट्स में लिखने का क्या मीनिंग है कि आपकी अपनी वर्डिंग है। तो ये जब रीड आउट होगा तो ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा, ये उसका विदाउट प्लेजराइज्ड वर्क में आ जाएगा। सर, ये जो डिफरेंट टूल्स हैं, मतलब जैसे कुल बोट वगैरह हो गया, दूसरे थ्री ये समराइज करते हैं, तो ये 100% इनका मतलब ठीक रिजल्ट्स होते हैं या इसमें कुछ आप ट्रिक जरा कोई वगैरह भी है? पैराग्राफ देकर ना, उसी में 2-3 लाइनों का पैराग्राफ या सेंटेंस देके उसको उन टेक्स्ट स्पिनर का हो गया या जिस तरह आप टूल बता रहे हो उससे गुजारिएगा। उसके बाद जरा उसका मीनिंग पढ़िएगा कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ था जो आपको ने दिया और जो उसने स्पिन करके आपको दिया, उसका मीनिंग क्या आपको समझ लग रहा है? ठीक ठीक है है ना ये बात? सर। सर उनको पेड पेड वरियन था उसमें, तो वो बड़ा जो है ना सर, काफी हद तक समझ आ रहा था, लेकिन वो उसमें स्पेलिंग हाँ, ही थोड़ा सा। पेड में समझ आएगी क्योंकि उन्होंने उसके अंदर एफर्ट की होती है। उसमें क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनके सेनोनिम्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देख दे, ऑर्डर का वर्ड है, इस पे राइट क्लिक किया तो ये देखे सेनोनिम्स आ गए, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन कमांड डायरेक्टिव। तो मैं ऑर्डर की जगह पे डायरेक्टिव लिख दूं, क्लियर है? तो वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक अगर आपको यही सेंटेंस है ना, इसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, वो पैराफ्रेजिंग में चला जाता है, ठीक है। तो वो उसमें क्या कर रहे होते हैं, आपने जिस ऑर्डर के अंदर वर्ड्स को लिखा होता है, प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर क्या करता है, कहता है कि ये दो वर्ड्स अगर कंजेक्टिव दो वर्ड्स सेम आ गए तो वो प्लेजरिज्म में काउंट कर लेगा। लेट से कंजेक्टिव 4 वर्ड्स आ गए तो वो प्लेजरिज्म में कंसिडर कर लेगा। अब आपने, हर बंदे की अपनी सेइंग होती है, बहुत रेयर केस होता है कि उसकी माइंड में जो थिंकिंग आई वो किसी, और उस थिंकिंग को वो राइट डाउन कर रहा है सेंटेंस की फॉर्म में, तो वो किसी ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क के साथ वो मैच कर जाए। एब्रीवेशंस सर ये होते हैं, जो, ठीक एब्रीवेशंस होते हैं, सर, जिस तरह SVM है तो उसका एब्रीवेशन है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो वो चीज फिर प्लेजरिज्म में नहीं आती, एब्रीवेशन को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 2 या 3 वर्ड से ज्यादा का कंजेक्टिव अकरंस हो तो उसको प्लेजराइज में वो कंसिडर करता है। तो सर ये जो MS वर्ड में जब ये रिप्लेस करते हैं और उसमें वो स्पेस डाल के और आई डाल के और सेलेक्ट डाल करते हैं, तो इससे मतलब ओवरऑल प्लेजरिज्म खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो एक अन एथिकली वो एक अच्छी चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बाज दफा टर्न इट इन में ना ये सेटिंग होती है कि डबल कोट्स को इग्नोर कर दिया जाए, उसको प्लेजरिज्म ना, कि जो चीज डबल कोट्स में लिखी हुई है उसको प्लेजरिज्म ना कंसीडर किया जाए। कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये डबल कोट्स डाले
लेट से एंड तक है, यहां तक ये भी डबल कोट्स डालें, इनको इस कोट को सिलेक्ट किया और इसका फॉन्ट वाइट कर दिया, इसका भी फॉन्ट वाइट कर दिया, ठीक है। तो अब ये प्लेजरिज्म में आएगा क्या? नहीं, समझ लग गई ये बात बाकी स्टूडेंट भी? जी सर। तो इस चीज की टेंशन ना लें, जब प्लेजरिज्म चेक की जाती है रिपोर्ट की तो उसमें ऑप्शन होती है कि डबल कोट्स को कंसीडर करना है या डबल कोट्स को इग्नोर करना है। सर, करते जाएंगे तो इस तरह की चीजें पकड़ी जाती हैं। सर जब 10.8 पर अपलोड करते हैं तो सर ये फिर इंटरनेट पर नहीं आ जाता दोबारा, जब सेकंड टाइम अगर हम उसको करेंगे तो ये फिर प्लेजरिज्म नहीं आएगा ऐसे? नहीं, उनकी डेटाबेस के अंदर होती है, उसमें ऑप्शन होती है कि ये जो वर्क है जिसकी प्लेजरिज्म आप चेक कर रहे हैं इसको उसकी 10.8 की डेटाबेस में सबमिट भी कराना है या नहीं। अगर आपने वो टिक की हुई है तो वो सबमिट हो जाएगा, अगर टिक नहीं की तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। बाकी सबको भी क्लियर है सर? लेकिन एक लिमिट तक तो हमें अलाउ होता नहीं है। 19% या इससे बिलो हो ओवरऑल, पाकिस्तान में अच्छी अच्छी की बात कर रहा हूँ, 19% या इससे बिलो होनी चाहिए ओवरऑल आपकी डॉक्यूमेंट की प्लेजरिज्म। और एक सोर्स से जो प्लेजरिज्म है वो 5% या इससे लेस होनी चाहिए। सोर्स का मीनिंग है कि लेट से आपने थीसिस लिखी 100 पेजेस की, वो कोई एक पेपर से उठाई, कोई दूसरे पेपर से, कोई तीसरे पेपर से, तो वो पहले पेपर से यानी कोई भी एक पेपर है उससे मैक्सिमम जो प्लेजरिज्म है आपकी 5% या इससे लेस होनी चाहिए। और सेकंड आपके पास ये है कि ओवरऑल पूरी डॉक्यूमेंट की प्लेजरिज्म जितने भी पेजेस की है वो 19% या इससे लेस होनी चाहिए। तो ये अच्छी सी की पॉलिसी है, आपको पता होना चाहिए। आप क्लियर है ये बात? ठीक है। और सर रिसर्च जब पेपर सबमिट करवाते हैं उनकी भी यही इतनी प्लेजरिज्म उनको होता है 19%? जी ऐसा ही है, 19% या उससे लेस होनी चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। तो प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स का क्लियर है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं? ये होगी उसकी एग्जाम्पल कि आपको उसका करेक्ट वर्जन क्या है और उसका इनकरेक्ट वर्जन क्या है। यही चीज है उसकी, ये बात उसने जो हाईलाइट की हुई है, तो एज इट इज आप कहें विदाउट कोटेशन में तो ये प्लेजराइज्ड में आ जाएगा, और अगर वही चीज आप डबल कोट्स में, अब उससे पहले ये भी एक यहाँ पे देखने वाली चीज है, उससे पहले उसने 3 डॉट डाले हुए हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इससे पहले उसने जो बात कही है वो एज इट इज है, ठीक है, इससे पहले कोई बात वो कह रहा है वो कंटिन्यू है, तो उसके इस सेंटेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने एज इट इज यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे भी एंड पे 3 डॉट डाल देता तो इसका मीनिंग ऐसे आगे भी उसकी बात कुछ चल रही है। तो ये 3 डॉट ऐसे ही नहीं डले होते, ये उसका एक सीक्वेंस होता है। क्लियर है ये बात? प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर जी ये P10 page 10 बता रहा है जी, ये देखें ये उसकी फेक उस पर्सन का नेम है, उसने 1991 में ये चीज जो भी स्टेटमेंट है वो दी थी, पेपर में राइट डाउन की थी उसके पेज नंबर 10 के ऊपर ये बात है, ठीक है जी। ओके सर, ये देखने नीचे उसका रेफरेंस गिवन है, ये आथर ईयर के फॉर्मेट में है। अच्छा, उसके बाद आता है प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड तो हो गया ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी एज इट इज, जिसको क्लोन भी कहते हैं या कॉपी भी कहते हैं। तो प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि आप उसकी लेआउट को कॉपी कर रहे हैं। कहते हैं मोज़ेक प्लेजरिज्म, कहते हैं कॉपियिंग फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग साइटेशन। आप किसी ऐसे स्ट्रक्चर जो आपने अपनी डॉक्यूमेंट का बनाया या पेपर का बनाया है आप उसको स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और उस ओरिजिनल को रेफर नहीं कर रहे। ये इस तरह हो सकता है आप अपनी थीसिस लिखते हैं और उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो पेज है
आपकी उससे देखना चाहते हैं कि चैप्टर वन में क्या चीजें आती हैं, चैप्टर टू में क्या आती हैं, चैप्टर थ्री में क्या आती हैं, तो आप किसी दूसरे पर्सन का एज इट इज स्ट्रक्चर उठा के और उसको अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उसके लिए आउट एग्जैक्ट वही है। क्लियर है ये बात? तो ये उसकी एग्जाम्पल है मोज़ेक प्लेजरिज्म, या उसके बाद आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है ओरिजिनल सोर्स, और ये उसका इनकरेक्ट जो वर्जन है वो यहाँ पे मेंशन है। लेकिन बस ये यानी आप किसी की डॉक्यूमेंट की लेआउट को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ उसकी है, ये सेंटेंसेस से आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपका इसके मीनिंग से होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि तो आप किसी की लेआउट भी तो फॉलो कर लेते हैं ना, स्ट्रक्चर तो वो चीज इसमें आएगी। अच्छा, प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ, ठीक है, या सेल्फ प्लेजरिज्म को भी, ये सेल्फ प्लेजरिज्म भी कहा जाता है इसको, तो आप किसी एक्सक्यूज मी सर दूसरे, जी, ये जी सर जी स्ट्रक्चर कैसे वो कॉपी, जैसे मतलब बस सेम, मतलब उसने एरो लगाया तो हमने भी एरो लगा दिया स्टार्ट में, साथ लास्ट वाली स्लाइड नहीं, 16 टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज पता है? जी सर। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज क्या बता रहा होता है? वो स्ट्रक्चर ही होता है पूरी डॉक्यूमेंट का। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब एक बुक का जैसे हम फॉलो कर रहे हैं कि उसने जी, बुक किस मैंने लिखी है। इसकी अभी प्रीवियस जहां पे इसकी टाइप्स बता रहा था, तो मैंने बताया था कि आपने एक मकान देखा, उस मकान से मिलता जुलता मकान आपने अपना बना लिया। अब उसने, पर्सन ने जो बिल्डिंग बनाई थी, उसने उसका मैप बनवाया था, उसको उसने डेफिनेटली पे किया होगा, ठीक है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं अपनी जगह पे। अब आप उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और उसको अपनी उसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता एक्सैक्ट घर आप अपना बना लेते हैं। तो रिसर्च के अंदर ये है कि आप पेपर का जो स्ट्रक्चर है, या डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, थीसिस का जो स्ट्रक्चर है, आप किसी दूसरे का चेक करके उसको फॉलो कर लेते हैं, तो वो उसमें आएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ, या जिसको सेल्फ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म है उसको क्या, वो क्या होती है? कहता है कि सेल्फ प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन ऑथर्स रीयूज देयर ओन प्रीवियसली रिटन वर्क और डेटा इन अ न्यू रिटन प्रोडक्ट विदाउट लेटिंग द रीडर नो दैट दिस मटीरियल हैज अपीयर्ड एल्सवेयर, ठीक है। आप अपने, मैं अपना एक पेपर लिख रहा हूँ, उसमें मेथोडोलॉजी मैंने बताई, वो सारी मैंने पब्लिश कर दी। अब मैं उस सीरीज का अगला पेपर लिख रहा हूँ, और उस सीरीज का जो अगला पेपर लिख रहा हूँ, उसमें से मैक्सिमम पार्ट मैं पहले में से उठा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरा अपना ही वर्क है। तो असूलन मुझे सेकंड पेपर में जो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ अपना पेपर, उसमें फर्स्ट पेपर को फिर मुझे रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं हाइड कर देता हूँ, तो इसका लोग हाइड क्यों करते हैं? ताकि जब एडिटर इस सेकंड पेपर को देखे तो वो यही समझे कि ये सारा आइडिया नया है। तो अपने ही काम से, काम को, प्रीवियस काम को आप हाइड कर रहे हैं नया काम पब्लिश करने के लिए, तो ये चीज आपकी सेल्फ प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? तो आज का सेशन हमारा इधर तक ही था, इससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, जी किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? जी सर, सर प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा वो थीसिस में काउंट होगा? प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर काउंट तो नहीं होता कोई नॉर्मली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉर्मली जो तो सॉफ्ट डिमांड नहीं नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर को कभी भी चेक नहीं कर पाते। सही। तो ये एंड पे मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करके करना भी बताऊंगा उसका मेथड।
तो स्ट्रक्चर को नहीं चेक कर सकते, वर्ड्स या फ्रेजिंग उनको चेक, वर्ड्स जो लिखे होते हैं, सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हम थीसिस हमें राइट करना होगा वो तो यूनिवर्सिटी हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि आपने ये करना है, इसके अकॉर्डिंग भी करना है। ऐसे ही है, तो वो उसमें नहीं आता। क्लियर है? किसी और का कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है सबको?